तो दोस्तों आज का प्लान बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन होने वाला है। जैसा कि आपने स्क्रीन पर देखा होगा, ये मॉडल मैं इसी तरीके के एक और क्रिएट कर चुका था पहले, पर उसका कलर कॉम्बिनेशन अलग था। आज का कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही हटके मैंने रखा है और आपके लिए एक बेहतरीन ये मॉडल बनाकर तैयार किया है। अगर आपको हमारे मॉडल पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करिएगा। आज का जो मॉडल है इसे हम डिस्क्राइब करेंगे बारी बारी से। अगर आपका भी यही साइज है घर का तो आप आसानी से इस घर को बनवा सकते हैं। साथ साथ अगर आप हमारी पेड सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप हमें वहाँ पर कॉन्टेक्ट करिएगा। मैं आपसे बात करके आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हाउस क्रिएट करता हूँ। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसी अकॉर्डिंग हाउस बनाऊंगा। अगर आप दोस्तों का कॉस्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप हमें बताइएगा और आपको हमारे घर के नक्शे कैसे लगते हैं ये भी बताइएगा। तो चलो आज का मॉडल है उसे पहले डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो दोस्तों जिस मॉडल की मैं बात कर रहा था, ये पूरा मॉडल होने वाला है बहुत ही खूबसूरत और फ्रंट एलिवेशन इसका बहुत ही स्टाइलिश होगा होने वाला है। और ये जो कलर कॉम्बिनेशन दिया है ये हो सकता है आपको बहुत ही हार्ड लग रहा हो, बट जब इसको आप कराएंगे ना तब बहुत प्यारा लगेगा, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा था। तो ये मॉडल कहीं ना कहीं बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन सा बना हुआ है। अगर आप भी ऐसे घर के डिजाइन वगैरह चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसी मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रंट से देखिए पोर्च का डिजाइन है, आप यहाँ से चढ़ना स्टार्ट करेंगे, स्टेयर्स हैं और आपकी पोर्च मिलता है, दो पिलर है उस पर यह डिजाइन बना हुआ है। और दोस्तों ये देख सकते हैं खपरेल का डिजाइन जैसा ग्रामीण क्षेत्र में लगा रहता है, चारों तरफ बना हुआ है। तो पहले आप टॉप से देख लीजिए कैसा दिखिएगा और थ्री साइड दोस्तों क्लोज्ड है, ये भी आप समझ लें कि तीनों साइड से मकान बंद है, केवल आपका फ्रंट से ही ओपन है। और फ्रंट में दोस्तों मेन डोर आपका ये होने वाला है, दोनों तरफ विंडो भी दिए हैं मैंने। इसके बाद दो बेडरूम हैं आगे, उन दोनों बेडरूम में अलग अलग मैंने विंडो और डोर दे रखे हैं। तो बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की। तो ग्राउंड फ्लोर पर आप जैसे पहुंचते हैं तो ये पूरा मॉडल, यहाँ से आप मेन डोर से एंट्री करेंगे। तो जल्दी टॉप से देख लेते हैं सारी चीज़ें जैसे आप एंट्री करते हैं। देखिए फ्रंट से तो दो बेडरूम आपको देखने को मिल ही रहे थे, तो अलग अलग मैंने अंदर से भी डोर दिए हैं। अगर आप अंदर से एंट्री करना चाहते हैं तो दोनों बेडरूम में अलग अलग कर सकते हैं। सर आगे बढ़े तो ये मिल जाता है आपका बड़ा सा आंगन। आंगन से ही आपकी हर जगह दोस्तों एंट्री होती है। ये देखिएगा सबसे पहले अगर हम बात करें इधर, तो इस कॉर्नर पर भी दो बेडरूम में देखने को मिलते हैं, तो चार बेडरूम हो गए, दो आगे वाले कॉर्नर पर और दो पीछे वाले। इसके बाद ये इधर आपकी स्टेयर्स हो गई और स्टेयर्स के नीचे आपका लेट बाथ यहाँ पर मैंने बना कर रखा है। या दोस्तों जो मेरे सब्सक्राइबर थे उनकी क्या रिक्वायरमेंट थी कि उनका लेट बाथ ये है फिलहाल, है ना, स्टेयर्स के जस्ट सामने, लेकिन स्टेयर्स के नीचे उन्होंने स्टोर रूम बना रखा है। घर के जो भी ख़राब सामान वगैरह होता है तो आप यहाँ पर उसे स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद इधर इनकी किचन बनी हुई, ये उनका बड़ा सा किचन है, ये पूजा घर है क्योंकि उनको पूजा घर की भी रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने उनको पूजा घर भी दिया है और आपका किचन भी दिया है। तो इस घर में दोस्तों आपको सारी चीज़ें देखने को मिल रही होंगी, चार बेडरूम, लेट बाथ, स्टोर रूम भी मिल रहा, आंगन भी मिल रहा है और आपको स्टेयर्स और किचन और पूजा घर और आगे पोर्च का भी डिजाइन मिलता है। तो मैं मैक्सिमम जूम कर देता हूँ जिससे आपको सारी चीज़ें बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। तो देख सकते हैं मैक्सिमम जूम करने पर आपको और भी क्लियर कट सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, देख सकते हैं सारा चीज़ें देखिए आप प्रॉपर तरीके से। अब बात करते हैं लास्ट फ्लोर की। जैसा कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, 3.5 फुट का बाउंड्री वॉल सबसे पहले चारों तरफ, लेकिन बाउंड्री वॉल में थोड़ा सा मैंने ट्विस्ट दिया है। देखिए पहले तो ये कर्व शेप दिया है, इसके बाद फिर ग्रिल लगी हुई है, कर्व शेप के बाद ग्रिल लगी हुई है, ऐसा देखिए चारों तरफ दोस्तों मैंने किया है। इससे क्या है, ग्रिल आपकी बहुत ही यूनिक और एक हट के लगने लगी, बहुत ही बेहतरीन लगने लगी है। और पोर्च पर चारों तरफ से मैंने देखी ग्रिल दी है, तो कहीं कहीं बेहतरीन सा मॉडल। अब इसके साइज की बात करते हैं तो 36x45 का इसका साइज है, 36x45 फिट में ओवरऑल ये मॉडल बना हुआ है। तो अगर आपके पास भी 36x45 की जगह है तो आप इस मॉडल को कंसिडर कर सकते हैं और बेहतरीन सा घर का नक्शा बना सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये मॉडल कैसा लगा हमें जरूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप पेड सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द हमारे व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट करें, या आप इन नक्शे को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट smallhouseplan.com पर जाकर विजिट करें, वहाँ से इन प्लान्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, सभी जगह जहाँ पर भी आपकी मर्जी करें वहाँ पर फॉलो करके आप हमें कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।